यहाँ पर देखिए हम आए हुए हैं यहाँ पर आज यहाँ पर ईद मिलाद मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर शमशेर खान पठान जी से माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरी फैमिली वेलफेयर कमेटी यहाँ पर इनमें इन्वॉल्व हुई है और इसके माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हम जानते हैं यहाँ के जो पुलिस वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर है, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो आए हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते से बात करेंगे। मिलाद के कार्यक्रम में जो पठान साहब ने रखा है, एक ऐसे साफी है, एक ऐसे पत्रकार है जिनकी मैं दिल्ली पर सुनता करूँ। अब इनके साथ में आ रहे हैं आपके हमारे समाजवादी पार्टी मुंबई के एमएलए आमदार जनाब अली अबू आसिम आसिम साहब और अखिल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार एमएलए हमारे दरमियान आ रहे हैं जनाब अली वारिस पठान साहब मुंबई के एमएलए। और जितनी भी सेक्युलर फोर्सेस है उसको पहचानना चाहिए और उन सेक्युलर फोर्सेस के साथ हम सब मिलके जो आज एक धार्मिक सत्ता केंद्र पर बैठी है उसके साथ में हम लोग ने इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए और संविधान को बचाना चाहिए। यहाँ पर देखिए बाला साहब ने कहा है कि जो धार्मिक संगठन यहाँ पर जो बसी हुई है उसको यहाँ से निकाल कर जो संविधान के माध्यम से जो देश चलना चाहिए उस तरह से देश चलाने का यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। इसीलिए ये जो बड़ा मैसेज इन्होंने यहाँ पर आके दिया है ईद मिलाद मिलन के पठान साहब के कार्यक्रम में आके, मैं vrnews.in से नागेश अम्बेडकर। थैंक यू। यहाँ पर देखिए शमशेर खान पठान जी यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है और सारे बड़े नेता लोग इस कमेटी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनके माध्यम से जो मैसेज देने जाते हैं हम शमशेर जी से बात करेंगे। शमशेर जी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, देश में आप क्या ऐसी राय कायम करना चाहते हैं? पहली बात तो अभी जो हमारा जो ईद अभी जो हुई है, हम चाहते हैं कि जो हमने जो खुशियाँ ईद के टाइम पर जो हमने जो ली है, हम चाहते हैं कि हमारे भारत के और मुंबई के जितने भी धर्म के लोग हैं वो साथ में मिलकर दोबारा वो खुशी हासिल करें और साथ में बैठे, एक भाईचारे का मैसेज हम देना चाहते हैं। दूसरा, पुलिस फैमिली वेलफेयर कमेटी के माध्यम से मैंने इसके लिए काम किया है कि पुलिस और पब्लिक ये दोनों एक है और इन दोनों में एक किस्म का जुड़ाव नहीं होना चाहिए और हम लोग जो है पुलिस फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं और काम करके उन्हीं के साथ में हम चाहते हैं कि समाज में सुधार आए, समाज में जो मतलब बुराई है उसे खत्म करें, जिस तरह से जो ड्रग एडिक्ट वगैरह है, ड्रग का जो काम चल रहा है इसको खत्म करें और पब्लिक में विश्वास पैदा करें, उनमें एक सुरक्षा के भावना निर्माण करें। इसके लिए जो जितने भी अच्छे अच्छे लोग जो है हमारे समाज के उनको हमने इस NGO से जोड़ा है पुलिस कमेटी के और हम पुलिस को मदद करके इस समाज को हम सुधारना चाहते हैं, ये उसका मेरा मकसद है। और आज के दिन हम यही चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं तमाम एक साथ आके जो हमें खुशी की खुशियाँ जो हमने मनाई है वो खुशियाँ वो जो हमारे साथ में मनाए, इसके मेरा मकसद है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और जो नफरत की राजनीति लोग जो कर रहे हैं वो नफरत की राजनीति को खत्म किया जाए और उसको कहने के रोका जाए, उसके मेरा मेन मकसद वो है। यहाँ पर देखिए पठान जी ने कहा है कि यहाँ पर हम भाईचारा है, सब में बांटना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि देश के लोगों में जो खुशियाँ जो ईद की खुशी जो उन्होंने मनाई है वही खुशी सारे लोगों तक पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर जो नेता लोग आ रहे हैं उनके माध्यम से ये जो देश में जो कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है उसको रोकने का कार्य यहाँ पर सफल करने के लिए यहाँ पर ये आयोजन किया गया है और सारी जो ईद की खुशी है ये ईद की खुशी सभी को मिले ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। मैं vrnews.in से नागेश तांबे। इस ईद मिलाद के कार्यक्रम में सलाउद्दीन शेख साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम भिवंडी से आए हुए हैं, इतने दूर से यहाँ पर इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। साहब, आप यहाँ पर जिस मकसद से आए हैं क्या आपको क्या कहना चाहेंगे?
जनाब अली, मैं सबसे पहले तो वीआर न्यूज़ के माध्यम से आपके लाखों करोड़ों सुनने वालों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। पुलिस फैमिली वेलफेयर कमेटी की तरफ से और शमशेर खान पठान साहब की तरफ से जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनकी तरफ से तमाम आपके सुनने वालों को और देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कहूँगा। ईद ऐसा त्यौहार है मिलने और मिलाने का, सर्व धर्म संभाव जातीय सलोका को बढ़ाने का, जिसे मीठे त्यौहार के नाम से जाना जाता है। गम के मारों को भी सीने से लगाएं यारो, आओ इस ढंग से हम ईद बनाएं यारो। आ रही है सदा बहारों की, ईद होती है रोज़ादारों की। ये रमज़ान के महीने के 30 रोजे रखने के बाद हमारे शमशेर खान पठान साहब ने पुलिस फैमिली के साथ इस कार्यक्रम का मुंबई महानगर के साबु सिद्दीक अलमा लुत्फी हॉल में रखकर बहुत बड़ा उन्होंने अपना कार्य किया। और क्योंकि शमशेर खान पठान खुद भी एक राष्ट्रीय एकात्मता की एक ऐसी तस्वीर है, जिनको मैं 40 साल से जानता हूँ, वो अपने पढ़ाई के ज़माने से ही और सर्विस में भी ज्वाइंट हुए, तो हर जगह उनके कार्यक्रम सर्व धर्म संभाव जातीय सलोका नेशनल इंटीग्रेशन पर कौमी एकजहती पर होते रहे हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि कौमी एकजहती से वाकिफ क्यों न हर एक फर्द हो, एक को कांटा चुभे तो दूसरे को दर्द हो। उन्होंने देश की 85वीं वर्षगांठ मुंबई की आखिरी शानदार मनाई जा रही थी, आपके इसी इलाके में वो जब यहाँ के इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने एक कमांडीपुरा की देरीवी गली में बड़ा प्रोग्राम रखा, जो मुंबई के इतिहास में आज तक वैसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। उस कार्यक्रम को 6 घंटा तक मैंने कंपेयर किया। उसके बाद में शमशेर खान पठान थाना गए, मानपाड़ा गए आपके, और बहुत सी जगह जहाँ जहाँ जाते थे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित पारसी जैन एकता का प्रोग्राम रखकर भाईचारा बढ़ाकर अपने शहर का वातावरण बहुत अच्छा करते थे, किया है। और आज रिटायरमेंट के बाद भी कुदरत का निज़ाम देखो, ईश्वर की शक्ति देखो कि उन्होंने अवामी विकास पार्टी बनाया है। उसका मेन मुद्दा यही है कि जनता की सेवा, अवाम की खिदमत। कहना पड़ता है कि खिदमत खल्क जिसका सेवा है, दुख गरीबों का जानता है ये, दर्श देता है जो मोहब्बत का, ऐसे मजहब धर्म को मानता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय एकता। यहाँ पर देखिए, शेख साहब ने कहा है कि सभी ने इस देश में एकता से रहने का जो कार्य करना चाहिए, जिस तरह से पठान साहब कर रहे हैं, ऐसा यहाँ का यहाँ इनका मानना है। यहाँ पर पुलिस वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर है अनवर काजी, हम इनसे बात करेंगे। अनवर जी, यहाँ पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर
देखिए अनवर जी ने कहा है कि इस वेलफेयर कमेटी के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। पुलिस वैसे ही पुलिस फैमिली और जो किसी को न्याय नहीं मिलता है उसको न्याय दिलाने का काम ये पुलिस वेलफेयर कमेटी करती है। यहाँ पर हम आगे जाके देखेंगे, यहाँ पर जो आने वाले जो बड़े बड़े नेतागण हैं ये नेता लोग के माध्यम से हम किस तरह से लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे और इस कमेटी का अच्छे से अच्छा कार्य हो इसका हम यहाँ पर समर्थन करें। गुरुद्वारे से गुरु जी और हमारे मंदिरों से पंडित जी और दलित समाज के उस समाज से हमारे दलित समाज के गुरु, इसी तरह क्रिश्चियन समाज के चर्च से लाए फादर, ऐसे सात लोग थे और सातों गुरुओं ने अपने उस प्रोग्राम में विचार रखा। उस समय जब कार्यक्रम शुरू हुआ रात में ठीक 8 बजे या 7 बजे 7:30 बजे तो ग्राउंड के ऊपर 500 से 1000 लोग थे और प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम था, रनिंग चल रहा था घर पर डिलीवरी टेलीविजन पर। लोगों ने जब देखा कि इतना अच्छा प्रोग्राम लाइव चल रहा है कमाटी पुरे की तीसरी गली में तो क्यों ना ग्राउंड पर जाए, तो बहनों भाइयों वो प्रोग्राम रात के 11 बजे समाप्त हुआ। 5 घंटा या 6 कलाक चला उस प्रोग्राम में, स्टार्ट में 1000 थे, आखिर में उस प्रोग्राम के अंदर 12 से 15 हजार लोग थे। कहा उन्होंने कि इतना अच्छा मजा आ रहा था तो हमने बोला घर पे क्यों ग्राउंड पर ही चले। ये शमशेर खान प्रधान साहब की मेहनत, उनका परिश्रम, उनकी मशक्कत और उनकी दिल की आवाज थी। तो वो खुद कहते हैं कि कौमी यकजहती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित पारसी जैन एक साथ अगर